सीता और गीता दोनों बहन एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। कई बार कुछ बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद भी स्कूल में खेलते रहते थे। स्कूल के पीछे एक प्लेग्राउंड था जिसमें बहुत सारी खेलने की चीजें थीं। एक दिन सीता और गीता इस पार्क में खेल रहे थे। मैंने तुम्हें झूले पे बैठने दिया, अब मेरी बारी है। नहीं, तुमने कल मुझे बैठने नहीं दिया था, तो आज मेरी बारी है। तुम हमेशा यही करती हो, मैं जा रही हूँ घर। ऐसे मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे यहाँ डर लगता है। सीता और गीता झूले के सामने बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से वो देखते हैं कि एक औरत आके उनके सामने वाले झूले पर बैठ जाती है। दोनों चौंक जाती हैं कि ये औरत कहाँ से प्रकट हो गई। क्या हुआ, तुम दोनों चुप क्यों हो गई? जी जी कुछ नहीं, आप कौन हो, अचानक से कैसे यहाँ आ गई? मैं इस स्कूल की केयरटेकर हूँ, मुझे पहले कभी देखा नहीं क्या? जी नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा आपको पहले यहाँ पर। आज देख लिया ना, तुम घर जा रही थी ना, जाओ मैं खेलूंगी तुम्हारी बहन के साथ। नहीं नहीं, मैं भी जा रही हूँ अपनी बहन के साथ। सीता और गीता वहाँ से डरते हुए अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन दोनों स्कूल आते हैं और क्लास में सब डरे हुए हैं। क्या हुआ सबको, सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम लोगों ने नहीं सुना क्या, कल सुनील की मौत हो गई। क्या, कैसे? कल शाम को ही तो वो हमें पार्क में दिखा था। पता नहीं कैसे, पर आज सुबह सबको पता चला। सीता और गीता एक दूसरे से बातें करने लग गए। टिफिन ब्रेक में भी दोनों बहन उदास बैठी हुई थीं। क्लास खाली था और तभी पार्क की केयरटेकर फिर से उन्हें क्लास के बाहर चलते हुए दिखती है। ये केयरटेकर आंटी कितनी डरावनी है ना। हाँ वही तो, कैसे बिना पलक झपके बातें करती हैं और उनकी आवाज भी अजीब है। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था इन्हें स्कूल में। उस शाम भी सीता और गीता स्कूल के पार्क में खेल रही थीं और उन्होंने देखा कि वो डरावनी केयरटेकर एक छोटे से बच्चे के साथ झूला झूल रही थी। अच्छा है वो आज हमारे पास नहीं आई, मैं तो डर ही जाती हूँ उससे। दूसरी सुबह दोनों बहनें स्कूल आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस बच्चे को उन्होंने पार्क में खेलते हुए देखा था वो भी मर गया है। हमने सुनील को पार्क में देखा था, वो मर गया। हमें इस बच्चे को पार्क में देखा था, वो भी मर गया। क्या इस पार्क में कुछ है जो इन लोगों को मार रहा है? वो डरावनी औरत, दोनों के मौत के वक्त वो डरावनी औरत वहाँ मौजूद थी। हमें प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा उसके बारे में। सीता और गीता प्रिंसिपल के पास भागते हुए जाती हैं और सारी बात बताती हैं। हे भगवान, वो चुड़ैल फिर से वापस आ गई। चुड़ैल, क्या बात कर रही हैं आप मैम? बच्चों, वो केयर टेकर असलियत में एक चुड़ैल है। वो बहुत सालों पहले इस स्कूल में काम करती थी। 7 महीने की गर्भवती अवस्था में भी वो काम करने आती थी, क्योंकि उसका पति एक नंबर का शराबी था और घर चलाने के लिए पैसे नहीं देता था। एक दिन पार्क में कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए वो गिर गई। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि उसका बच्चा नहीं बचा और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी उसी दिन मर गई। उसके बाद से उसकी आत्मा बीच बीच में पार्क में घूमती रहती है। मैम, हमें लगता है सुनील और उसके बच्चे की मौत उसकी वजह से हुई है। हाँ, वो अपने शिकार को पार्क में अकेला देख उसे अपने वश में कर लेती है। वो चुड़ैल उस शिकार के साथ कुछ समय बिताती है और उसकी जान ले लेती है। कभी उनका गला घोट देती है या कभी उन्हें वश में करके बिल्डिंग के नीचे गिरा देती है। तो मैम, उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? तरीका है, वो जब किसी बच्चे को अपने वश में करती है तो वो थोड़ी कमजोर हो जाती है और जैसे ही वो कमजोर पड़े हम उसे खत्म कर सकते हैं। पर इसके लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? हम करेंगे। पर बच्चों, हम ये करेंगे कैसे? सीता और गीता स्कूल के पार्क में शाम तक खेलते रहते हैं। प्रिंसिपल पेड़ के पीछे छुपके दोनों को देख रही थी। वो चुड़ैल आ क्यों नहीं रही है? आती ही होगी, तुम बस जल्दी से उसको पकड़ लेना और मार देना। हाँ, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर में वो औरत आती है। उसको आता देख सीता वहाँ से निकल जाती है। गीता अकेले झूले पे बैठती है और वो औरत उसके पास आ जाती है। आज अकेले बैठी हो? हाँ, मेरी बहन घर चली गई। अच्छा हुआ, मैं खेलती हूँ तुम्हारे साथ। वो औरत अचानक से गीता का हाथ पकड़ लेती है। उस औरत का पूरा शरीर अब बहुत अजीब हो गया था। उसके पैर उल्टी तरफ मुड़ गए और उसके बाल भी हवा में बिखर गए। उसकी आंखें सफेद हो गईं।
और उसे देखते हुए गीता पूरी तरह से उस चुड़ैल के वश में हो गई। अब तू मेरे साथ खेलेगी। उधर सीता और प्रिंसिपल दोनों पेड़ के पीछे से देख रहे थे। वो सोच ही रहे थे कि चुड़ैल को अब कैसे मारा जाए। आ जा लड़की, मैं तुझे झूला झुलाती हूँ। चुड़ैल गीता को झूले में बैठा के पीछे से झूला हिलाने लगी। एक दो बार ऐसा करके चुड़ैल ने गीता का गला दबाना शुरू कर दिया। मैम, ये तो गीता को मार डालेगी। चलिए जल्दी, हमें कुछ करना होगा। पर सीता, वो हमें देख लेगी तो हम भी मर जाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैम, ये डरने का वक्त नहीं है। हमने और देर की तो मेरी बहन की जिंदगी चली जाएगी। प्रिंसिपल डर के मारे हिल नहीं पाती। सीता अपना सारा साहस जमा करते हुए चुड़ैल के पीछे से उसे पकड़ लेती है। ए छोटी सी लड़की, तू मारेगी मुझे? आज तो तुम दोनों बहनों को खत्म कर दूंगी। सीता ने अपनी पकड़ बनाए रखी। उसे भूत के साथ लड़ते देख प्रिंसिपल को भी हिम्मत आती है और वो भागते हुए जाके चुड़ैल के आगे एक जादुई मंत्र पढ़ती है, जिससे चुड़ैल जल के राख हो जाती है। गीता वापस होश में आ जाती है। दूसरे दिन स्कूल में सबको पता चल जाता है कि सीता और गीता ने चुड़ैल से लड़ाई की और सब उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं।